दोस्तों अगर आप भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के पहले महामुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के तूफान के सामने आयरलैंड टीम कुचली गई और इस महामुकाबले में मैन ऑफ द मैच बनते ही भावुक हो पड़े भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उसके बाद उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड तो हार्दिक पांड्या को दिया ही दिया, फिर रोहित शर्मा और फिर ऋषभ पंत के बारे में ऐसा कुछ कह गए कि सुनने के बाद हर एक भारतीय उनको सलाम करने को मजबूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। तो ऐसे में अपने तूफानी बयान में शानदार गेंदबाजी के बाद जसप्रीत बुमराह ने क्या कुछ कहा है और अपना अवार्ड क्यों हार्दिक पांड्या को दिया है, पूरे उनके बयान का वीडियो हम आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह, दोनों में सबसे खतरनाक गेंदबाज आप किसको मानते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, ICC T20 विश्व कप का आगाज भारतीय टीम के लिए तो स्वर्णिम रहा है। इस साल जिस तरीके से IPL में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, वह तो लाजवाब था। मगर उसके बाद वही प्रदर्शन अब कंटिन्यू करते हुए T20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अमेरिका में भारतीय दिग्गजों ने दिखा दिया है, जहां भारतीय सितारों ने इस आयरलैंड के खिलाफ खेले गए महामुकाबले में तूफानी जीत हासिल की। महामुकाबले में नासुआ क्रिकेट स्टेडियम में जब टक्कर हुई तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में टॉस था, टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। आयरलैंड जैसी खतरनाक टीम को 96 रन पर ऑल आउट कर दिया, 100 रन का आंकड़ा नहीं पार करने दिया। इसमें भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सबसे अहम योगदान रहा, 3 ओवर में 1 मैडन डालकर 6 रन देकर 2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने भी 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि हरदीप को 2, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिले। इन शानदार गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों की बारी थी और 97 रन के छोटे लक्ष्य के जवाब में रोहित शर्मा विराट कोहली ओपनिंग करने उतरे तो विराट कोहली 3 ओवर में 1 रन बनाकर चले गए। किस्मत तो उनके साथ नहीं थी। फिर इसके बाद रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करके 37 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के लगाकर 140 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 52 रन ठोक दिए, हालांकि वह रिटायर्ड होकर वापस गए। इसके बाद ऋषभ पंत के शानदार नावा 36 रन की बदौलत 2 विकेट को भारतीय टीम ने 97 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और इस महामुकाबले को 8 विकेट रहते जीत कर इतिहास रच दिया और अपना शानदार प्रदर्शन जारी किया है। जहां इस महामुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शानदार बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, हुआ है भावुक नजर आए। जहां ICC T20 विश्व कप के पहले महामुकाबले में उनको जब मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने अपने भावुक बयान में कहा कि इस T20 विश्व कप में मुझे खेलने का मौका मिला जिसका मैं बेहद लंबे समय से इंतजार कर रहा था। 2022 के T20 विश्व कप में जब मैं खेलने की तैयारी कर रहा था, उस समय मुझे चोट के कारण बाहर होना पड़ा था, जिससे मैं बहुत हताश था। उस साल हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, मगर फिर बाद में सेमीफाइनल तक पहुंचते हुए बाहर हो गई थी। पिछले साल खेला गया ICC वनडे विश्व कप में भी भारतीय टीम फाइनल में हारी है। तो ऐसे में हम सभी की कोशिश है कि हम एक हारे मुकाबले को सीरियस लें और इस साल अपने दर्शकों को खुशी दें, विश्व कप जिता कर, हुआ है हमारी कोशिश है। मगर इस मैच में हार्दिक पांड्या ने भी कमाल बॉलिंग की है, 3 विकेट लिए हैं। वार्म अप की तरह अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए उसने 3 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी को सही साबित किया है। तो कहीं ना कहीं मेरी गेंदबाजी, मैंने 2 विकेट लिए, उसने 3 लिए, मैं मानता हूं मैन ऑफ द मैच के अवार्ड का मुख्य दावेदार वही था। ऐसे में उसकी शानदार गेंदबाजी को मैं कहना चाहूंगा कि वह कमाल का प्रदर्शन कर रहा है और अपना अच्छा कमबैक करके दिखा रहा है। आने वाले मुकाबलों में हार्दिक से अच्छी गेंदबाजी की हम उम्मीद कर रहे हैं और साथ में बल्लेबाजी भी वह अच्छी खासी कर सकता है। इस मैच में जिस तरीके से रोहित भैया ने बल्लेबाजी की है ना, वह कमाल की रही है। अगर वह एक बड़ा स्कोर होता तो आज उनके बल्ले शतक देखने को मिल सकता था। शानदार शतक लगाना, कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करना और ऋषभ पंत का भी फॉर्म में आ जाना हमारी टीम के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। हमारी टीम एक बैलेंस प्रदर्शन कर रही है। अब आगे आने वाले मुकाबले में हम पाकिस्तान को हरा कर यह सभी को बता देंगे कि हमसे खतरनाक टीम कोई नहीं है और मेरी प्रदर्शन मैं कंसिस्टेंट रखना चाहूंगा, लगातार विकेट लेने की कोशिश करता हूं, साथ में इकोनॉमिक रेट का भी ध्यान रखना होगा। और मैं अपने भारतीय दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस क्रिकेट को इतना सफल बना रहे हैं और अमेरिका जैसे देश में भी इतनी संख्या में आकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद। दोस्तों यह तो जसप्रीत बुमराह का शानदार बयान है, मगर आपको क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह इस साल ICC T20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन पाएंगे, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए सब्सक्राइब कीजिए।